गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स रेडियस रेशियो के फर्स्ट रेडियस रेशियो पाकल लेट्स सी रेडियस रेशियो द स्ट्रक्चर ऑफ एन अयानिक कॉम्पाउंड्स लाइक दैट NaCl CCM क्लोराइड CNS प्लस माइनस अयानिक कॉम्पाउंड के अब स्ट्रक्चर ऑफ अयानिक कॉम्पाउंड्स डिपेंड्स अपॉन दि स्टोइकोमेट्री एंड साइज ऑफ दि अयॉन्स क्या जनरली इन अयानिक क्रिस्टल बिकर आनयन आर प्लस इन दि क्लोजर बैक्ड अरेंजमेंट कैटयान आकुपाई दि वाइट्स अयानिक कॉम्पाउंड स्ट्रक्चर ये डिपेंड पड़ीना डिपेंड पड़ी स्टोइकोमेट्री एंड साइज ऑफ दि अयॉन्स क्या स्ट्रक्चर ऑफ अयानिक कॉम्पाउंड्स डिपेंड्स अपॉन दि स्टोइकोमेट्री स्टोइकोमेट्री अब इक्वेशन बैलेंसा नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड सेम पॉजिटिव एंड्स ये नेगेटिव एंड्स काउंटिंग स्टोइकोमेट्री साइज ऑफ दि अयॉन्स अंत पॉजिटिव एंड साइज नेगेटिव रेडियो डिपेंड पड़ी कैटायन आनायन साइज डिपेंड पड़ी अयानिक कॉम्पाउंड स्ट्रक्चर अयानिक कॉम्पाउंड अभी NaCl इतना अयानिक कॉम्पाउंड्स एग्जाम अयानिक कॉम्पाउंड एग्जाम वो सो अयानिक कॉम्पाउंड स्ट्रक्चर ये डिपेंड पड़ी स्टोइकोमेट्री स्टोइकोमेट्री काउंटिंग सुल्रोम अंड अंद NaCl Na प्लस Cl माइनस अंद कैटायन आनायन साइज रेंडे डिपेंड पड़ी दाँ द स्ट्रक्चर ऑफ अयानिक कॉम्पाउंड्स ओके एंड देन जनरली इन अयानिक क्रिस्टल और अयानिक क्रिस्टल लाइक NaCl CCM क्लोराइड इतना अयानिक क्रिस्टल इन जनरली अयानिक क्रिस्टल बिकर आनायन प्लस इन क्लोज्ड बैक्ड अरेंजमेंट ये अरेंजमेंट ऑलरेडी ना पातम क्लोज्ड बैक्ड अरेंजमेंट पातम सो आनायन्स क्लोज्ड बैक्ड अरेंजमेंट क्या सी क्लोज्ड बैक्ड अरेंजमेंट आनायन्स प्रेजेंट वाइडकूर कैटायन्स ऑक्युपाई वाइड अंत एम्प्टी स्पेस प्रीवियस क्लास वो वाइड कैलकुलेट पड़ी स्पीयर कोई आनायन अंत वाइडल कैटायन्स अभी बिकर जनरल और अयानिक क्रिस्टल इलामें अयानिक क्रिस्टल क्या वाट इज रेडियस रेशियो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन अंड आनायन क्या रेडियस रेडियस रेशियो कैटायन द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन अंड आनायन आर सी प्लस रेडियस ऑफ कैटायन आर ए माइनसना रेडियस ऑफ आनायन सो अदुक्कुल रेंडु रेशियो दा रेडियस रेशियो सोल्रोम वाट इज रेडियस रेडियस रेशियो द रेशियो ऑफ रेडियस कैटायन आरना रेडियस सी प्लसना कैटायन आर ए माइनस रेडियस ऑफ आनायन रेशियो दा रेडियस रेशियो सोल्रोम प्लेस ऑन इंपॉर्टेंट रोल डिटरमाइन दिस स्ट्रक्चर द रेडियस ईसिया नम्बर डिटरमाइन दिस स्ट्रक्चर्स द रेडियस रेडियस रेशियो प्ले दि इंपॉर्टेंट रोल फॉर दि डिटरमाइन दिस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर डिटरमाइन पड़े रेडियस रेशियो यूस आवुद कैटायन रेडियस आनायन रेडियस डिवाइड पड़ा नमक वैल्यू वो वैल्यू वे नम्बर फाइन आउट पड़ मुड़ी और स्ट्रक्चर अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइन आउट पड़ी और अयानिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर नम्बर डिटरमाइन पड़ मुड़ी फार एक्साम्पल एक्साम रेडियस ऑफ कैटायन अंड आनायन को बाहर 0.155 to 0.25 अंत रेंज को नम्बर डिवाइड पड़क वैल्यू 0.155 to 0.225 को कोऑर्डिनेशन नंबर 3 सेफ वो ड्राई कोनल प्लानर क्या एग्जाम B2O3 ड्राई कोनल प्लानर सेफ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 सो नम्बर कहो रेडियस रेशियो को एक्साम्पल 0.175 अब 0.175 रेडियस पाँ रेजुद अब कोऑर्डिनेशन नंबर कंपा थ्री स्ट्रक्चर ड्राई कोनल प्लानर एग्जाम B2O3 ओके नेक्स्ट अड़ रेडियस पर 0.5 वैल्यूस मेमरी पड़ी वो 0.225 to 0.414 अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मीन दैट और कैटायन सुत्ती 4 आनायन 4 आनायन सुत्ती 4 कैटायन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्या 3 कैटायन सुत्ती 3 आनायन 3 आनायन सुत्ती कैटायन प्रेजेंट सो अदना सेफ्ना डेट्राहेड्रल सेफ क्या डेट्राहेड्रल सेफ एग्जाम ZNS क्या अब क्वेश्चन क्या रेडियस रेशियो द रेडियस रेशियो इज रेंज को वह मेरी रेडियस 2.250
அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வச்சு வாட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ 225லேருந்து 0.41க்குள்ளே வரக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லா அமிலத்துக்கும் எல்லா அந்த அயனிக் கிறிஸ்டலுக்கும் என்னது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4ஆக தான் இருக்கணும். அது வந்து டெட்ராகிரல் சேஃபாக இருக்கும். இசட் இன்னஸ் அர்த்தம் இதோட வேல்யூ வந்து இசட்னோட ரேடியஸ் ஆஃப் கேட்டயன் இசட் 2+ கேட்டயானும் சல்ஃபர் 2- அயனையான் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும். 0.225லேருந்து 0.4 அந்த வேல்யூஸ் நீங்கள் மெமரி பண்ணி வச்சுருக்கணும். ஸோ டெட்ராகிரல் சேஃப் அண்ட் தென் வாட் இஸ்மே கோஆர்டினேஷன் அடுத்து 0.414லேருந்து 0.732க்குள்ளே வரக்கூடிய வேல்யூஸாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது ரேடியஸ் ரேஷியோ டிவைட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6ஆக இருக்கும். வாட் இஸ்மே கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6னா ஒரு ஸ்பியரை சுற்றி என்னது 6 அனதர் ஸ்பியர் வந்து கான்டாக்டில் இருக்கணும். ஐ மீன்ஸ் 6 கேட்டயானை சுற்றி 6 ஆனயான்ஸ் இருக்கணும், 6 ஆனயானை சுற்றி 6 கேட்டயான்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இது ஆக்ட்ராகட்டல் 4 டெட்ராகட்டல் 6 ஆக்ட்ராகட்டல் NASL எக்ஸாம்ஸ் NASL எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட்டு 0.732லேருந்து 1.0க்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அவருடைய கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 8 கியூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் சீசியம் குளோரைடு கியூபிக் பாடி சென்டர் கியூப்னு சொல்லக்கூடிய கியூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கும். இட்ஸ் ஏ NASL கிறிஸ்டல் NASL கிறிஸ்டல் டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ அதாவது இந்த சிசிஎம்ங்கிறது ப்ளஸ் சிஎல்ங்கிறது அனையான். ஸோ அப்போ ரெண்டோட ரேடியஸ் வேலை டிவைட் பண்ணால் வரக்கூடிய வேலையை 0.732லேருந்து 0.10க்குள்ளே எங்கே வேணாலும் இருந்துக்கலாம். ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.9 அப்படி கொடுத்துடலாம். வாட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 8 ஏன்னா 0.73லேருந்து 1க்குள்ளே இருக்குது 0.987 அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 8. ஸோ இந்த கியூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வேல்யூஸ் கொடுத்துருவோம். அப்போ நம்ம கோஆர்டினேஷன் நம்பர் மனப்பு பண்ணிக்கணும். 3, 4, 6, 8 மோஸ்ட்லி வந்து ஈவன் நம்பரில் தான் வரும். ஒன் தான் 3 வந்துருக்கு. ட்ரைகோன பிளானர் வந்து ரொம்ப ரேர் தான். 4, 6, 8 தான் மேக்ஸிமம் வரும். கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறது அப்படியே 2 கொஸ்டினில் படிச்சிருப்பீங்க. கோஆர்டினேஷன் நம்பருங்கிறது ஒரு ஸ்பியரை சுற்றி நெய்பர் ஸ்பியர் நம்பர் ஆஃப் ஒரு ஸ்பியர் வந்து நெய்பர் ஸ்பியரில் எவரோட காண்டாக்ட் பண்ணியிருக்குது. ஸோ அதான் தட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4 டெட்ராகிரல் 6 ஆக்ட்ராகிரல் 8 கியூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்து வச்சுங்க. ஸோ இப்போ ரேடியஸ் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் ரேடியஸ் ரேஷன் கொஸ்டின் கேட்டால் ஸோ எழுதுக்கலாம். வாட் இஸ் ரேடியஸ் ரேஷன் அந்த 2 கொஸ்டின் 3 கொஸ்டின் கேட்டால் ஃபுல்லாகவே எழுதுங்க. ஃபுல்லாகவே எழுதிருங்க. ஸோ ஓகே.